नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। चूरू में गत दिनों सांडों का आतंक फैला हुआ है, जिससे कब किस तरह की घटना हो जाए आमजन इससे बेखबर है। शहर के हर एक मुख्य मार्गों पर आए दिन ये आवारा पशु लड़ते नजर आते हैं, परंतु नगर परिषद और प्रशासन गहरी नींद में सोया लगता है। चूरू शहर में सांडों की चपेट में आए दिन लोग जख्मी होते हैं, यहाँ तक कि चूरू में 2-3 लोग इसकी चपेट में आकर अपना जीवन खो चुके, परंतु नगर परिषद केवल औपचारिकता पूरी कर इतिश्री कर लेते हैं और ये समस्या जो की त्यों बनी है। ताज़ा घटना अभी पुरानी बस स्टैंड के पास घटी। लंबे समय तक दो सांड आपस में भिड़ गए, जिससे कई वाहन टूट गए। यहाँ तक कि लड़ते लड़ते सामने सहल मिष्ठान भंडार में घुस गए, जिससे शोकेस के शीशे टूट गए और मिठाइयाँ बिखर गई। गनीमत यह रही कि मिठाई का दुकान मालिक दुकान छोड़कर बाहर भाग गया, नहीं तो उसे जान गंवानी पड़ती। इस तरह 3 दिन पहले रतनगढ़ में एक व्यक्ति सांडों की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुका। इतना सब कुछ होते हुए भी जिला प्रशासन मौन साधे हुए है। गली गली में आवारा सांड और श्वानों का आतंक आमजन का जीना मुहाल किए हुए है।